नमस्कार साथियों, अच्छी न्यूज़ है साथियों। बहरीन से रिलेटेड हम बात करेंगे। भाई बहरीन ने बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये मान लीजिए कि ईद अल अदा के उपलक्ष में आप समझ सकते हैं। जी हाँ, बहरीन की सबसे बड़ी न्यूज़ है। मैं मानता हूँ कि ये वर्ल्ड में सबसे पहली न्यूज़ मैं मान सकता हूँ इसको, क्योंकि बहरीन ने वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट कर दिए। जी हाँ साथियों, इससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि भाई विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करके हम बता देते हैं आपको। पहले तो बहरीन के कोरोना अपडेट पर हम नज़र डाल लेते हैं भाई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना ही है। अगर ये डाउन रहेगा तो आपका काम अप जाएगा, अगर ये अप जाएगा तो आपका काम डाउन जाएगा, सीधी सी बात है। तो कोरोना के केस लगभग 41,000 के करीब हैं, 40,980 के सभी पॉजिटिव हैं। उनमें से बात करें रिकवरी की, तो भाई रिकवरी बहुत अच्छी है, 37,840 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितना है, 3,000 के समथिंग केस पॉजिटिव हैं। बहुत अच्छी न्यूज है ये। डेथ की बात करें लोगों की, मरने वालों की मात्र 147 यानी 150 के करीब लोगों की मौत हुई है, तो बहुत कम डेथ रेशियो है। इसको देखते हुए साथियों बहरीन सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए दिया है वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ बता दूं, सरकार ने COVID-19 की वजह से मार्च के लगभग वीज़ा वगैरह पूरा सिस्टम क्लोज कर दिया था, फ्लाइट वगैरह। आपको पता वर्क परमिट वीज़ा चालू हो गया तो भाई फ्लाइटों का तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो बता दूं सरकार ने रोक हटा के बता दूं 9 अगस्त से, जी हां साथियों 9 अगस्त से वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट कर दिए हैं। जी हां साथियों, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो वर्क परमिट से वीज़ा से रिलेटेड बेचारे लोग परेशान हो रहे थे, आपको जॉब से रिलेटेड जिनको बहरीन जाना था उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। ईद के ऊपर आप मान सकते हैं बहरीन सरकार ने आप लोगों को तोहफा दिया है। इतना जल्दी तो भाई दुबई ने भी, यूएई ने भी स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने वर्क परमिट वीज़ा अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, वो रिटर्न बंदे हैं जो उनको ले रही है वापस, लेकिन बहरीन सरकार ने पहल करते हुए वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट कर दी, अच्छी न्यूज़ है। साथ में उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि भाई 2 हफ्ते के लिए जो लोकल कंपनीज हैं उनको एड, जो अखबार वगैरह में एड वगैरह लगवाते हैं भाई हमारे पास इतनी इतनी वैकेंसी, आप उनको भी 2 हफ्ते के लिए मोहलत दे दी है कि आप 2 हफ्ते तक अपना एड चला सकते हो, ताकि आपके पास जो वर्करों की कमी हो चुकी है अगर आप वापस वर्कर लेना चाहते हो तो 2 हफ्ते की उनको छूट दे दी गई है। तो ये दोनों अपडेट अच्छी है आप लोगों के लिए, जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। बहरीन का जो लेबर मार्केट है उसकी रेगुलरी अथॉरिटी है LMRA, जी हाँ उन्होंने ये बड़ी घोषणा करते हुए आप लोगों के पक्ष में फैसला दिया है। ये एक बैठक हुई थी साथियों, बैठक में आपको पता है जो बहरीन के किंग हैं प्रिंस सलमान बिन अहमद क्राउन प्रिंस उप सुप्रीम कमांडर प्रथम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये एक संयोजक रूप से एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसले लिए गए हैं। तो भाई देखिए, वर्क परमिट वीज़ा 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, फ्लाइटों का अपने आप स्टार्ट हो ही जाना है। बाकी लोकल वहाँ पे अगर आप बहरीन में बैठे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो एक वैकेंसीज निकालेंगी कंपनियाँ अपने एडवर्टाइज के माध्यम से, तो वो भी आप देख के वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपके लिए ऑप्शन है 2 हफ्ते के लिए, ये मान सकते हैं कि 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का ये ऑप्शन आपके पास है। तो बहुत बड़ी अपडेट है बहरीन जाने वालों के साथ ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।